टीम इंडिया ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी टेस्ट में पारी और 171 रनों से मात देकर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत व्हाइट वॉश कर दिया है। इसी के साथ ही भारत ने क्रिकेट में डेब्यू के बाद से विदेशी सरजमी पर दो से ज्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में पहली बार व्हाइट वॉश किया है। कोहली भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 85 सालों के इतिहास में पहले ऐसे कप्तान हैं, जिनकी अगुवाई में टीम ने पहली बार विदेश में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश किया है। उनसे पहले कोई भी भारतीय कप्तान विदेशी सरजमी पर तीन या उससे ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज को क्लीन स्वाइप नहीं कर सका है। हालांकि इससे पहले टीम इंडिया ने 2004 में बांग्लादेश को 2005 में जिम्बाब्वे में सीरीज क्लीन स्वीप की थी, लेकिन वो सिर्फ दो टेस्ट मैचों की सीरीज थी। इस मैच की पहली पारी में भारतीय टीम के 487 रनों के जवाब में श्रीलंका की टीम 135 पर ढेर हो गई, जिसके बाद मजबूरन फॉलो ऑन खेलने उतरी मेजबान टीम 181 रनों पर सिमट गई और उन्हें पारी और 171 रनों से हार का सामना करना पड़ा। विराट की कप्तानी में भारतीय टीम विदेशी धरती पर अब 60 टेस्ट मैच जीत चुकी है। उनकी कप्तानी में टीम ने विदेश में 13 मैच खेल लिए हैं, जिनमें से 7 जीते हैं, जबकि धोनी की कप्तानी में 30 मैचों में 6 जीते थे। अब विराट से आगे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली है, जिनकी कप्तानी में भारत ने विदेशों में 11 मैच जीते थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।